Hi guys, this is me, Tasneem Fatima. Welcome back to my channel, Hur with Mama. आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट रिड ऑफ चेस्ट इन्फेक्शन. क्योंकि बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं ठंडी हवा से, ठंडे पानी से, आइसक्रीम से, डस्ट से, उनको एलर्जी हो जाती है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे बच्चों के सांस में खर खर की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है, सीने पे एकदम से बहुत सारा रेशा जमा हो जाता है. तो उस सब को ख़त्म करने के लिए मेरे पास कुछ होम रेमेडीज़ हैं जिनके इस्तेमाल से आपको इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बचपन में हुरुसैन के साथ भी काफ़ी बार चेस्ट इन्फेक्शन वाला प्रॉब्लम हुआ है और मैं कई बार इसको डॉक्टर्स के पास लेके गई हूँ. बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब बच्चों के सांस में खर खर की आवाज़ें आती हैं, सीने पे रेशे जमा हो जाता है, जब सांस लेते हैं तो सीटी की आवाज़ आती है, उनको चेस्ट पे पेन हो रहा होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं. तो उस वक्त मैंने जो होम रेमेडीज़ अप्लाई की थी हुरुसैन के लिए, मैं वो आज आपके साथ शेयर करती हूँ. तो पहली होम रेमेडी ये है कि आपने ये करना है कि हनी और गर्म पानी, थोड़ा सा नीम गर्म पानी, उसमें हनी मिक्स करके सुबह के टाइम पे जब बच्चा उठेगा तो उस वक्त बच्चे को पानी, नीम गर्म पानी, उसमें हनी मिक्स करके तो वो तकरीबन 10 स्पून्स बच्चे को वो पिला देनी है. और ये जो होम रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर की है ये मॉर्निंग में करनी है, जब बच्चा उठेगा उस टाइम पर हर रोज़ आपने तकरीबन 5 से 7 दिन आपने बच्चे को हर रोज़ नीम गरम पानी के अंदर हनी मिक्स करके वो पिलाना होगा. हमारी दूसरी होम रेमेडी ये है, हनी और जिंजर का जो रस होता है वो मिक्स करके बच्चे को दिन में 3 से 4 बार वो देना है, उससे भी उसके जो सीने का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा. जो हमारी थर्ड रेमेडी है वो ये है कि आप अंडे की एक जर्दी लें, अंडे देसी अंडा मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और उसको थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है, जो एग योक होगा ना उसको बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है, लेके उसके अंदर हनी को मिक्स करना है और हल्दी मिक्स करनी है, टर्मेरिक, और हल्दी अपने कोशिश करना है कि आंबा हल्दी होती है वो दें, मार्केट्स की जो हल्दी होती है उसे अवॉइड करें. वैसे अगर आंबा हल्दी आपके पास नहीं हो तो वक्ती तौर पर आप उसको मार्केट्स की हल्दी जो घर में मौजूद होती हैं, हर किसी की किचन में होती हैं, वो भी आप दे सकते हैं. तो इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके ये आपने बच्चे को देना है रात के वक्त. रात को बच्चे के सोने से पहले आपने बच्चे को ये खिला देना है और फिर जो है वो सुबह तक इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी. लेकिन ये एक बार में नहीं, 3 से 4 बार ये करना पड़ेगा. और जो चौथी और लास्ट रेमेडी है वो है निसादर, किसी भी पंसार की दुकान से आपको ईजीली मिल जाएगी. और मुझे एक दफ़ा, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि एक दफ़ा मैंने अपने भाई से कहा था और उसको चेस्ट इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो गया था, और निसादर किस लिए चाहिए होती है, वोमिटिंग के लिए, कि बच्चे को वोमिटिंग करानी होती है, उससे बच्चे का जो सीने पर रेशा होता है वो निकल जाता है वोमिटिंग से. तो निसादर थोड़ी सी पानी में मिक्स करके अगर बच्चे को दें तो बच्चे को उससे वोमिटिंग हो जाती है, क्योंकि उसका टेस्ट इतना अजीब सा होता है कि जब वो बच्चे पीते हैं ना तो उनको फ़ौरन से वोमिटिंग हो जाती है. तो वो मैंने अपने भाई से एक दफ़ा कहा कि तुम ऐसा करो कि निसादर मुझे ला दो, तो भाई गया और जाके लबी शीरी ले आया. मैंने कहा कि ये तो लबी शीरी है, ये आप क्या लेके आ गए, तो कहते हैं वो तुमने जो बोला था वो मुझे मिला नहीं तो मैं ये ले आया हूँ. उसे लगा कि ये कोई वो स्वीट डिशेज होती है ना, वो बनाने की कोई चीज़ है. तो निसादर किसी भी पंसार की दुकान से आपको मिल जाएगा, ईजीली अवेलेबल होगा. तो वो सिर्फ आपने क्या करना होगा कि निसादर को स्पून में थोड़ा सा पानी लेना है, पानी लेके उसके अंदर इस तरह 2 times करना है और फिर वो बच्चे को पिला देना है. बहुत ज़्यादा उसको रब नहीं करना, थोड़ा सा उसको निसादर को पानी के अंदर मूव करके वो बच्चे को पिला देना है. जब वो बच्चे को आप पिलाएंगे तो उसको बच्चे को वोमिटिंग होगी, अगर वोमिटिंग नहीं भी हो तो तब भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पॉटी में वो निकल जाएगा जो उसका रेशा होगा, लेकिन अगर वोमिटिंग आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है. और अगर जब बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन होता है उस वक्त अगर वोमिटिंग आती रहे बच्चे को तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वोमिटिंग से रेशा बहुत आसानी से निकल जाता है. तो कुछ रेमेडीज़ थी, ये आपने अप्लाई करनी है अपने बच्चों पे, क्योंकि अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम्स रात के टाइम पे ही होते हैं. हुरुसैन को भी ये प्रॉब्लम्स चेस्ट इन्फेक्शन वाला, ये तो रात के टाइम पे ही होता था, तो उस वक्त तो डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, तो फ़ौरन से ये आप रेमेडीज़ अप्लाई कर लिया करें. हुरुसैन नो, ये रेमेडीज़ आप बच्चों पर अप्लाई कर सकते हैं, इससे बच्चों को उस प्रॉब्लम से रिलीफ मिल जाएगा. तो ये थी हमारी आज की वीडियो. आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा और अगर आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, सो हिट द बेल एंड सब्सक्राइब टू स्टे कनेक्टेड विद हर विद ममा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.